खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से है, जहां प्रखंड के वाजिदपुर बाजार में पश्चिम चौक पर नवनिर्मित लक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के आयोजन को लेकर रविवार की सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया, जिसमें लाल एवं पीले वस्त्र से सुसज्जित कन्याओं ने अपने माथे पर कलश धारण कर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर पहुंचे। कलश यात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर में हुई, जो कि कष्टहारा घाट पर जल लेने के बाद वृंदावन होते हुए विद्यापति धाम मंदिर पहुंची। मंदिर में सामूहिक आरती के बाद शोभा यात्रा साहिट से गुजरी, जो कि सनिचरा भुइयां स्थान होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में भारी संख्या में भक्त श्रद्धालु लाल पीले वस्त्र धारण कर भक्ति भावना से लबरेज पैदल यात्रा करते हुए नजर आए। आपको बता दें, यज्ञ सोमवार 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें दिल्ली से आए आचार्य एवं ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत पूजा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया जाएगा। माता लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा 27 जनवरी को होगी। 28 तक प्रतिदिन संध्या 6 बजे से श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन से आए हुए साध्वी कृष्णा जी के द्वारा प्रस्तुत करी जाएगी। जरा देखिए समिति अध्यक्ष, समिति सचिव और मुखिया मुकेश कुमार का क्या कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, हमारे संवाददाता रत्न शंकर भारद्वाज की इस रिपोर्ट पे। आज जैसे कि पूजा करने के लिए दिल्ली के आचार्य पंडित नरेंद्र तिवारी जी आए हैं, उनके साथ 6 और पंडित जी आए हुए हैं, जो हमारे पूजा के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और संध्या शाम में 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री मद भागवत कथा का प्रवक्ता जो है साध्वी कृष्णा देवी जी हैं, जो वृंदावन से आए हुए हैं, वो प्रतिदिन 22 से लेकर के 28 तक प्रतिदिन शाम में 5 बजे से 9 बजे रात्रि तक भागवत कथा करेंगे, जिसमें ये जो पंडाल बना हुआ है 1100 स्क्वायर फीट में पंडाल बना हुआ है, जिसमें महिला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? आने वाले श्रद्धालु के लिए पहले महिला के लिए हम अलग व्यवस्था किए हुए हैं, उसको गाइड के लिए हमारा महिला ही बच्ची सब जो है उसका गाइड रहेगी। जेंट्स के लिए एक अलग रो बना हुआ है, जिसमें जेंट्स जो है वो रहेंगे, उनको जो दृष्टिकोण से क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने विद्यापति थाना प्रभारी को, विद्यापति अंचलाधिकारी को, प्रखंड पदाधिकारी को, अनुमंडलाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, सभी आदमी को हमने एक आवेदन दे करके इनवाइट किया भी है और उनसे परमिशन भी मांगा था। यहाँ पे अपने वॉलंटियर्स भी रहेंगे, हमारे पास लगभग 100 जो है जो हमारे समाज के युवा पीढ़ी के जो है जो भक्ति भाव में अपने को बहुत योग्य समझते हैं, वो श्रद्धालु अपने जी जान से इसमें सहयोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अजीत कुमार, लक्ष्मी सहयोग समिति का अध्यक्ष। कथा के लिए महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की अलग व्यवस्था की गई है, आकस्मिक किसी तरह की कोई अति हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था है, हमारा एक कार्यालय है, प्रसाद वितरण केंद्र है, जिनको भी अगर प्रसाद लेना हो प्रसाद केंद्र से लेंगे, किसी तरह की कोई समस्या है वो कार्यालय में संपर्क करेंगे। और तक यह प्रोग्राम किया जाए? ये 28 तारीख तक चलेगी, 29 तारीख को। यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा होना है माँ लक्ष्मी का, वो कब है? 27 जनवरी को 2:57 में होगी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार चौधरी। क्या है आप कमेटी में? सचिव हैं। पूरे ग्रामवासी को हार्दिक अभिनंदन है कि मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये सबसे बड़ी कलश यात्रा का आज आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2.5 से 3 हज़ार लोग का उपस्थिति हुआ और बहुत सुंदर तरीके से आज कलश यात्रा निकाली गई, जो साहिट कष्टहारा घाट होते हुए विद्यापति होते हुए बाजितपुर में फिर यहाँ कलश यात्रा फिर हो गई है। अब आगे का जो भी प्रोग्राम है वो व्यवस्था किया जा रहा है। 28 तारीख तक यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना है जी, जो श्रोता रेस्पॉन्ड करेंगे इस चीज को लेके जी, तो उसमें क्या कहेंगे श्रोताओं के लिए जो यहाँ पे भारी संख्या में जुटने की आशंकाएं बताई जा रही है? नहीं, उनके लिए तो अलग से एक व्यवस्था किया गया है, जिनको जो जरूरत बुझाएगा उनके लिए कमिटी के तरफ से भी है और हो सके तो हमारे तरफ से भी जो भी समस्या अगर होगा उन लोगों को व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं ग्राम पंचायत राज बाजितपुर के मुखिया हूँ।